रमेश जी, जैसा अभी आपने बताया कि यहाँ पर जो है तालाब के लिए पानी की वाटर कंजर्वेशन वास्तव में आने वाले समय की सबसे बड़ी ज़रूरत है, पेड़ पानी, क्योंकि पानी को भी ध्यान रखना उतना ही ज़रूरी है और कहीं ना कहीं हम शायद डेवलपमेंट को भी नहीं छोड़ सकते। अब तालाब का जिक्र आपने किया, क्या ऐसा तो नहीं हुआ कि कहीं हमने आगे बढ़ने के चक्कर में जो हमारे पुराने जो बेसिक बुनियादी चीज़ें थी, जैसे तालाब जो कि अपने आप में वाटर बॉडीज की तरह एक काम करते थे, कहीं ऐसा तो नहीं हमने उनको छोड़ के कुछ गलती की? हाँ, ये आपने बहुत ही गहरी बात पकड़ी आपने। असल में हुआ ऐसा ही, जैसे गांव का एग्जांपल लेता हूँ, गांव में कुएं थे, गांव में जोहर हुआ करते थे, नल आ गया। और ये बात दिल्ली में नहीं है, ये हिमालय में भी ऐसा हो गया है। जोहर आ गया, पानी नल से आ गया, हम भूल गए जोहर को, कुएं को। तो उसको भूलना और उसको छोड़ना, ये हमारी बहुत बड़ी गलती थी, क्योंकि जो हमारी परंपराओं से जो हमें मिला था, देखिए सीधी बात है, जो परंपराएं पनपती हैं, परंपराएं और सभ्यता धीरे धीरे पनपती है, उसमें तरह तरह की चीजें आदमी ने पैदा की। उसी संदर्भ में उसने कुआं खोदा, कुआं ढूंढा और उसने कुआं बनाया, तालाब बनाया, जोहड़ बनाया, और हजारों साल तक जोहड़ों ने, कुएं ने आदमी की सेवा की। तो एक एक हिसाब से मैं ये भी कहता हूँ कि आदमी ने अपने पुरखों के, अपने बुजुर्गों के प्रति जो सम्मान था उसको ठेस पहुंचाई, मैं साफ बोलता हूँ इसको। हम कुआं पूछते हैं, कुआं हमारे पास है नहीं, ये सबसे बड़ी विडंबना हमारे लिए है। मैं तो कहता हूँ गांव के लोगों से, कुआं तो बचाओ भाई। जिस दिन अपने अपने घरों में हम पिताजी का, घरों का श्राद्ध करते हैं, उसी कुएं से पानी पिलाना चाहिए हमको। तो गाँव का हर आदमी एक कुआं, जोड़ के पीछे बहुत सी चीजें आ गई, क्योंकि नाली के कनेक्शन गलत हो गए, सीवर चला गया वहाँ, इसमें सरकार की बहुत बड़ी उसने ढंग से काम नहीं किया सरकार ने, लोगों ने भी इसको समझा नहीं। लेकिन जोड़ तो खराब हो गए, कुआ कम से कम बच सकता है, और अभी इसकी जरूरत है। जहाँ आपने कंजर्वेशन, मैं कहता हूँ कंजर्वेशन की बात तो बाद में आएगी, अभी प्रश्न है इसका रिचार्ज करने का। अभी जिस स्थिति में पहुंच चुके हम, वहां में रिचार्ज करना है पानी को, जितना ज्यादा हो सके युद्ध स्तर पर। अगर ये पूरे के पूरे दिल्ली के, मान लो कल्पना कर लो, सारे तालाब, सारे जोहड़, सारे कुएं वापस अगर रिचार्ज होते हैं, तो कितनी बड़ी एक हमारे धरोहर है, हम पानीदार हो जाएंगे। हम कैसा, दिल्ली हमारा, मेरा पानी है, मेरा अपना पानी है, तो उससे हमारा हिमालय जिसको देवभूमि कहते हैं, उस पर कम असर पड़ेगा। मैं इसको ऐसे कहूँ कि देखिए, नल आना घर में कोई बुराई नहीं है, अच्छी बात हुई, लेकिन हमसे गलती शायद हुई जो हमने तालाब छोड़ दिए। वो अगर पानी को वाटर बॉडीज की तरह वो एक एक्ट करते, हमने जब उनको हटा दिया, तो मेरे ख्याल से क्या वो हमसे बहुत बड़ी गलती हुई? बहुत बड़ी गलती हुई। नल आना बिल्कुल सही आपने कहा, जैसे तालाब आना, कुआं आना, ये भी तो एक आदमी का, एक प्रगति का एक सूचक है। उस विकास की प्रक्रिया में तालाब आए, जोहड़ आए, हजारों साल पहले आ गए। पहले आदमी नदी किनारे रहता था, वहीं का पानी लिया करता था, लेकिन उसके साथ सामंजस्य था हमारा, तालाब के साथ सामंजस्य था, कुएं के साथ भी सामंजस्य था हमारा। लेकिन नल आने के बाद, नल इतना सुविधा हमें लगने लगी, हम भूल गए उसको। तो भूलना जो है, ये भूलना, असल मैं किसी को मैं गलत नहीं कहूंगा किसने ये किया किसने वो किया, बस होता है जब प्रगति बड़ी तेजी से होती है। देखिए, मैं यहाँ किसी का दोष नहीं, ये पूरे कम्युनिटी की, जब मैं कह रहा हूँ कि हम भूल गए, तो मतलब उसमें मैं भी हूँ, आप भी हैं और बाकी लोग भी हैं, जो हम भूल गए, मतलब ये एज ए सोसाइटी हमसे शायद मिस्टेक हुई। मजे की बात है, हमें अब लग रहा है, बहुत साल पहले हमें लगता नहीं था कि भूल भी होगी कोई, इसलिए हम ये नहीं कहेंगे हमारे जो पहली पीढ़ी के लोग थे उन्होंने गलत कर दिया, उन्हें भी समझ नहीं आया ये चीज, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है, मतलब मैं ऐसा कहूंगा भारत एक, इस बात में मुझे गर्व भी है भारत के, अगर हम यहाँ की ज्योग्राफी को समझें तो पानी भी हमारे पास, और मिट्टी है, पानी है, सब कुछ है। थोड़ा सा हम प्रयास कर लें, थोड़ा सा प्रयास तो बहुत कुछ कर सकते हैं, बस हमें देखना है इसको। नल भी आए, मकान भी बने, विकास भी हो, लेकिन साथ साथ हमें ये भी चलना चाहिए कि विकास के साथ हमारे जो संसाधन है उसको बचा के, उसको ऐसे लैंडस्केपिंग करें जैसे पुराना पेड़ ना काट के। अभी जो द्वारका में मंत्री जी आए थे, उन्होंने कहा भी हम अब जो डेवलपमेंट करेंगे पुराने पेड़ नहीं काटेंगे,
ठीक है, समझ आई, लोगों ने बात उठाई, समझ आई बात, तो हम इसके हम बहुत सुंदर तरीके से अपने देश को चला सकते हैं। और हमारे यहाँ तो पूरा एक पुराना इतिहास रहा है इसका, आप मानेंगे नहीं, उत्तराखंड के अगर आप हिमालय क्षेत्र में ऐसी जगह पर जाए जैसे भैरव घाटी है, अगर आप गंगोत्री के उससे पहले भैरव घाटी पड़ती है, तो हमारे जो अनपढ़ अनपढ़ जो जिन्हें अनपढ़ कहते हैं, जिन्हें बोलते हैं कि बैकवर्ड लोग थे, गांव के लोग थे, वो वहाँ नंगे पैर जाया करते थे, देवदार के जंगलों में नंगे पैर, जो मिडोज होते हैं भुग्याल, वो नंगे पैर जाते थे, क्यों, उन्हें बड़ा लगता था कि ये बचे रहे, वो उनको अपना ईश्वर मानते थे, उनके बहुत से कारण थे मानने के, उन्होंने बड़ी चीजें बना रखी। जैसे ऊपर के हिमालय क्षेत्र में जाएंगे आप 4,000-4,500 मीटर में अगर आप सीटी मारेंगे तो पहाड़ गिरने लगते हैं इको से, तो वो उसको दूसरे रूप में मानते थे, देवी नाराज हो जाएगी। तो मतलब एक ही, अब हम बोलते हैं सीटी ना बजाओ, तो सीटी ना बजाओ का असर कम होता है, कोई तेज कम बजा देता है, तो हमारी परंपराओं से भी हमें थोड़ा सीखना है, उसको जोड़ के काम करना है। परंपराएं सारी सही हो ऐसा भी नहीं है, लेकिन परंपराएं सभी गलत हो ऐसा भी नहीं है, तो हमें चूज करना है कौन सी। और आज जैसे जैसे आपने कहा कि हम शायद भूल गए चीजों को, तो वास्तव में हमसे चूक हो गई, हमें बताया करते थे लोग ऐसी बात नहीं, जो हमारे पुराने लोग थे वो बोला करते थे, जैसे अनुपम मिश्र जी थे, उनकी डेथ हो गई अभी, पानी में बहुत काम किया उन्होंने, वो तो हमेशा ही बोलते थे कि भाई जब सूखे इलाकों में आदमी रहते थे तो कोई ना कोई तो बात होगी उनमें, सूखे इलाकों में जहाँ पानी नहीं है, सब वहाँ तालाब बनाए, वहाँ जोहड़ बनाए, वहाँ अपनी बावलियाँ बनाए उन्होंने, उत्तराखंड में न्योले बनाए, आप नॉर्थ ईस्ट जाओ तो धारे हैं, तो सब जगह आदमी ने, हमारे पुरखों ने पानी की व्यवस्थाएं की, तो उन्हीं को टटोल लिया जाए कि साहब वो कैसे करते थे, क्या नहीं करते थे, तो हमें लगा कि हमें ऐसी चीजें मालूम चलेंगी कि हमें लगा कि ये कैसे करते थे। उत्तराखंड की खेती बड़ी विचित्र है, अगर आप जाए तो वहाँ अलग खेत में अलग अलग धान, इस खेत में ये धान, उस धान में, तो हमारा मित्र था उनके पिताजी की डेथ हो गई, वो कहते रमेश जी मतलब मैं तो फंस गया, क्यों, मुझे बीज बनाना नहीं सीखा पिताजी से मैंने, अब मैं धीरे धीरे कोशिश कर रहा हूँ कैसे बनाऊं। बीज बनाना ही एक पूरी की पूरी एक सीख थी, वो गांव में कैसे खेती करनी है, कैसे ये परंपराओं से चला आ रहा था, ठीक है, इसमें हमें थोड़ा सुधार करना था, नई चीज आनी चाहिए, मैं उसके बड़ा पक्ष करता हूँ, नई चीज, जैसे इसराइल की टेक्निक या दुनिया भर में चल दिया जिस, और इसका मैं एग्जाम्पल देता हूँ कुवैत और सऊदी अरब, शायद आपको मालूम होगा कुवैत सऊदी अरब में सब्जी का बहुत बड़ा बिजनेस है, पानी नहीं है, मिट्टी नहीं है, उसके बाद सब्जी का बिजनेस, उन्होंने वही नई टेक्निक के साथ उसको उन्होंने करके दिखा दिया। और भारत तो ऐसा है कि वहाँ कहीं भी आप बीज फेंक दो वहाँ उग जाता है, तो हमें थोड़ा सा सभी को दोबारा सोचना है कि हमारे देश में खेती से बड़ा बिजनेस इस दुनिया में कोई भी नहीं है, इसको हमें दोबारा समझना है, खेती के प्रति जो हमारा एक उदासीनता होती चलेगी कालांतर में, लंबे समय से उदासीनता होती चलेगी, तो हम सबके लिए एक सोचने का विषय है। अब किसको ब्लेम नहीं करूंगा मैं, हम सबके लिए सब, एक्चुअली देखिए बात ब्लेम की नहीं है, बात यह है कि ये कलेक्टिवली सबको सोचना पड़ेगा, इसके लिए किसी एक को हम कुछ नहीं कह सकते। और जैसे मैं हमेशा एक बात को कहता हूँ, सरकारें जो होती है, सरकार के दो पक्ष हुआ करते हैं, एक सरकार का विरोध करो, ठीक है, विरोध करना भी जरूरी है, लेकिन सरकार के ऐसे स्टेप होते हैं जो जिनके आप अगर समझते हैं स्टेप से हमें लाभ है, उसको पूरा इम्प्लीमेंट करें। हम मैं हमेशा कहता हूँ कि पूरा इस जो भी सरकार ने जो भी एक स्कीम लाई है तो उसको इम्प्लीमेंट करके देखो, हो सकता है उसमें कमियां हो। और मैं अक्सर मैं सरकार को खूब लिखता रहता हूँ और सरकार स्वीकार भी करती है, आप खिंचाई भी करते हैं और सही समय पे उनको प्रोत्साहन भी देते हैं। मुझे पता नहीं वास्तव में क्या, लेकिन कृषि मंत्रालय का नाम जो है कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय, के हम जैसे लोगों का इसमें हाथ है, मैंने एक बड़ा लंबा सुझाव लिखा था, उसके बाद वहां से मुझे अप्रिसिएशन लेटर मिला था मुझे, और उसके बाद ही वो मैंने किसान को कैसे इम्प्रूव किया जाए, किसान को मैंने जो टाइगर प्रोजेक्ट से जोड़ा मैंने, जैसे टाइगर प्रोजेक्ट में क्या होता है कि टाइगर अगर बाघ जीवित होगा तो पूरा फूड चेन जीवित रहेगा। मैंने मोदी जी को लिखा, अगर किसान जीवित है हमारा, किसान जीवित का मतलब है किसान का जीवन, किसान की कृषि, किसान के कृषि के जितने भी कारक हैं, जितने भी तत्व हैं, वो जिंदा रहने चाहिए, जैसे मिट्टी हो गई, पानी हो गया, खाद हो गया, बीज हो गया, और जो भी उसके संसाधन होने चाहिए, अगर हम उसको मुहैया करा दें
उसके घर पे मुहैया करा दें तो किसान तो देश को पलट सकता है। उसका छोटा एग्जांपल दूंगा, दुनिया भर में हम देखते हैं अपने दिल्ली अपने शहरों में, अपने मेरे कई मित्र लोग हैं जिन्होंने कहीं भी ये खाने पीने के छोटे छोटे अपने छोटे छोटे मॉल शुरू किए थे, आज उनके छः छः मॉल हो गए हैं वो। तो मैंने कहा भाई तुम बेचते क्या हो, वही आटा चना गेहूं चावल। तो हमने लिखा है किसान जो है अब खाली कच्चे माल का उत्पादन ना करे, उसको एक स्टेप आगे बढ़ना है। तो मुझे लगता है सरकार ये प्रयास कर रही है और हमें एज ए एक्टिविस्ट जितने भी लोग जहाँ जहाँ काम कर रहे हैं सरकार के प्रति किसी पार्टी के प्रति उनका कोई मत होना हो, लेकिन सरकार जब बन जाती है तो उसको सुझाव देना, सरकार को बेहतर काम करने के लिए प्रेरित करना। और पर्यावरण कृषि और जल, जैसे आपने कहा जल, जल एक एक सूत्र है। रेगिस्तान में आदमी जब तक रहेगा जब तक एक बूंद जल होगा। अटाकामा में लोग रहते थे, चाहे बहुत लंबी बारिश जाए कहीं खोद के पानी निकलता था, जहां जल नहीं होगा वहां मनुष्य रह नहीं सकता, इसलिए जल सर्वोपरि है। तो अभी आपने सुना रमेश जी से हमने बात की और ये बातचीत का हम आगे भी एपिसोड आएगा, आप उसको सुनिएगा, उसमें हमने कुछ और रमेश जी से सवाल भी पूछे हैं। और आप सुनते रहें रेडियो द्वारका, एक कदम कल की ओर।